आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में दो संसदीय क्षेत्र आते हैं, बालाघाट संसदीय क्षेत्र और मंडला संसदीय क्षेत्र। इनमें मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर क्षितिज सिंगल के द्वारा पत्रकारों को व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आइए हम सुनते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी मतगणना के दौरान। सिवनी में दो संसदीय क्षेत्र हैं, जिसमें बालाघाट संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बरघाट और सिवनी विधानसभा क्षेत्र और मंडला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत केवलारी और लखनादौन विधानसभा क्षेत्र आता है। इनकी मतगणना सिवनी में होनी है। मतगणना किस तरह से सिवनी में होगी, इन विधानसभा क्षेत्रों की लोकसभा चुनाव के मतदान के संबंध में जानकारी जिला दंडाधिकारी क्षितिज सिंगल के द्वारा दी गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं क्या कहना है जिलाधिकारी क्षितिज सिंगल, जिला निर्वाचन अधिकारी क्षितिज सिंगल का चुनावी मतगणना के संबंध में। पहली फैसला था ये था, हमें हम लोगों का मिला और सभी के सहयोग से हम 19 अप्रैल को शांति से रूप से अपना निर्वाचन पूरा कर पाए। तो मैं पहले तो आपको खुशी की धन्यवाद देना। दूसरा, अब आप लोगों को पता है कि निर्वाचन के बाद जो अब सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है वो परिणाम को लेकर। परिणाम जो की काउंटिंग जो है वो 4 जून को है, पूरे देश में एक साथ सभी लोकसभाओं में सभी जिलों में एक साथ काउंटिंग। अब यहाँ भी 4 जून को काउंटिंग जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएगी, जैसा कि मेरा हमेशा से होता रहा। काउंटिंग का समय सुबह 8 बजे से, तो सुबह 8 बजे से मशीनों से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो सुबह 7 बजे खोल दिया जाएगा। और स्ट्रॉन्ग रूम जब खोलेंगे तो हमारे जो आयोग के ऑब्जर्वर आते हैं वो भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, AR भी रहेंगे संबंधित। और सुबह 7 बजे से हम स्ट्रॉन्ग रूम खोल के फिर 8 बजे से काउंटिंग शुरू कर। इसमें क्योंकि मीडिया का भी एक मीडिया रूम हमने अलग से बनाया है, उनकी आप लोगों की एंट्री भी हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी 7 बजे एंटर कर जाए ताकि दिक्कत नहीं रहे। तो काउंटिंग एजेंट है और बाकी सबको तो 7 बजे तक अपने हाउस में पहुंचना है। आप लोग भी अगर 7 के आसपास ही पहुंच जाएंगे तो बेहतर रहेगा, तो अव्यवस्था नहीं है। क्योंकि काउंटिंग शुरू होने के बाद फिर हमारा फोकस धीरे हो जाता है। तो अभी गणना की जो स्थिति है वो मैं आप लोगों के सामने हम कर रहे हैं। बालाघाट की जो गणना है वो कक्ष क्रमांक 35 और 36 में होगी। टोटल 310 पोलिंग स्टेशन है वहां पर और 26 हमने काउंटिंग टेबल रखी, इसलिए 12 राउंड में हमारी बालाघाट की काउंटिंग हो जाएगी और आखिरी राउंड में वहां पर 24 पोलिंग स्टेशन रहे। बालाघाट विधानसभा में की जो गणना है वो गणना कक्ष क्रमांक 3155 में रहेगी। वहां पर 337 मतदान केंद्र है, जितनी विधानसभा में 28 हमने काउंटिंग टेबल रखी है, 28 की है और 13 राउंड में हमारी काउंटिंग यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगी। आखिरी राउंड में केवल एक मशीन आएगी। केवलारी जो है उसकी काउंटिंग कक्ष क्रमांक 33 में रहेगी। यहाँ पर 353 मतदान केंद्र है, यहाँ पर भी काउंटिंग के लिए 28 टेबल रखी गई है, 13 राउंड में काउंटिंग होगी और आखिरी राउंड जो है 17 मशीन है। लखनादौन विधानसभा जो है केवलारी लखनादौन जो मंडला लोकसभा में आती है उसमें प्रदेश में सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन है, पूरे MP में 407 पोलिंग स्टेशन है। वहां पर 28 हमने गणना टेबल रखी है और 15 राउंड में यहां पर काउंटिंग होगी, आखिरी राउंड में 15 मशीन है। तो इस प्रकार टोटल हमारे 4 विधानसभा जो की 2 लोकसभाओं में है उसमें 8 हाउस में काउंटिंग होगी, 1407 हमारे पोलिंग स्टेशन है टोटल पूरे जिले में और 110 हमारी काउंटिंग है। तो ये है कि जो मातोश्री मंदिर वाला जो गेट है जो ग्राउंड के उधर वहां से आप लोगों की एंट्री रहती है, वहां से काउंटिंग एजेंट्स की मतलब जो राजनीतिक पार्टियों से जो एजेंट्स होते हैं उनकी और मीडिया की एंट्री हमें वहां से रहती है और बाकी जो हमारे कर्मचारी उनकी बाहुली वाली एंट्री और केवली वाली जो गेट है वहां से। तो कृपया करके वहां से एंट्री मातोश्री वाले से करके और जो ग्राउंड है उसमें अपनी गाड़ी आप पार्क करें। अपने जैसा आपको बताया कि ये मतगणना जो है वो 4 तारीख को 7 बजे हम स्ट्रॉन्ग रूम खोलेंगे और उसके बाद फिर एक बार मतगणना पूरी होने के बाद और जहां आरओ मुख्यालय है जैसे बालाघाट के बालाघाट और मंडला के मंडला वहां से जब फाइनल रिजल्ट एक बार आराम हो जाएगा
उसके बाद हम अपनी मशीनों को फिर से सील करेंगे और मशीनों को सील करके जो ईवीएम वेयरहाउस है वीजा वाड़ा पे वहाँ उसको स्टोर किया जाता है। तो वो स्टोर करने की कार्रवाई हमारी मतगणना के बाद सीलिंग और स्टोर करने की कार्रवाई है। जैसा आपको कहा कि एक मीडिया सेंटर हमने बनाया हुआ है, पीआरओ तो आप जो है राजेश आप तो ओवरऑल नोडल हैं, तो आपका सहयोग पूरी तरीके से करने के लिए पूरी प्रक्रिया में राजेश नोडल ऑफिसर रहेंगे जिला प्रशासन की ओर से, आपकी एंट्री से लेके और पास वितरण इत्यादि सभी चीजों के लिए। मीडिया सेंटर में हम लोग एक कंप्यूटर प्रिंटर एक टीवी और एलईडी वाला इंटरनेट वगैरह का रहेगा और सभी विधानसभा के लिए एक जो मीडिया सेंटर तो वही से एक मीडिया सेंटर में कंप्यूटर। ये ध्यान रखें कि मीडिया सेंटर से के तक तो आपको फोन अलाउड है, मीडिया सेंटर के बाहर फोन अलाउड। तो ये ध्यान रखें कि मीडिया सेंटर से जब आप अगर विधानसभा के गेट तक जाते हैं हॉल तक काउंटिंग होता है तब आपको फोन नहीं लेगा, जब आप वहां जाएंगे काउंटिंग हॉल तक तब आपको अपना फोन अपने मीडिया रूम में आप हो जाए, जब काउंटिंग हॉल आप विजिट किया आपने अगर लाइन तक आप उसके बाद फिर वापस आ जाएगा फोन मीडिया सेंटर से बाहर काउंटिंग हॉल में फोन ले जाना और जब मीडिया रूम से अपन जो काउंटिंग हॉल होगा वहां तक पीआरओ जो है वो आपको एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम आप 8-10 लोग हो गए, 8-10 लोगों को जिन जो हॉल में जाना है वो दिखा के लाए वापस आए, फिर बचे हुए रूम कुछ लोगों को लेकर इस तरह से रहेगा। तो इंडिपेंडेंटली करते हैं ना, ऐसा ना हो कि वहां पर मीडिया हॉल में मतलब अपन पीआरओ इसको लेके गए बाकी लोग अलग से जाना चाह रहे हैं, कृपया ना करें क्योंकि उस समय बहुत मशीनों का आना जाना रहता है। मीडिया रूम बिल्कुल हमारी ईवीएम की स्ट्रॉन्ग रूम के बगल में है, वहाँ क्या हम अलाउ नहीं कर सकते बिना किसी एस्कॉर्ट की एंट्री एजे बार बार, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो बाकी आप हमेशा से रहें तो इसमें दिक्कत नहीं है। जो राउंड बार जो हमारा काउंटिंग रहेगी जैसा हमने विधानसभा में भी किया था, आप लोगों को बाकी आप लोग यहाँ पहुँचा देंगे इस विधानसभा में राउंड बार क्या स्थिति चल रही है। और जैसा आप मैंने बताई थी कि फोन जो है वो मीडिया सेंटर पर रखने तक की व्यवस्था है, वहां से बाहर काउंटिंग हॉल तक नहीं,